सद्गुरु वर्तमान समय के योग गुरु माने जाते हैं। सद्गुरु जी का नाम जगदीश वासुदेव है। ये वर्तमान समय में योगी होने के साथ ही एक लेखक भी हैं। इनका जन्म 3 सितंबर 1957 को भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर नामक स्थान में हुआ। इनके पिता भारतीय रेल के नेत्र विशेषज्ञ विभाग में कार्यरत थे एवं उनकी माता एक गृहिणी थी। सद्गुरु आरंभिक समय से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि इन्होंने प्रकृति को अपने ज्ञान का स्रोत बनाया। 10 की आयु में इनकी मुलाकात राघवेंद्र राव से हुई, जिन्हें योग गुरु मल्ला डिहिल्ल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, जिनसे सद्गुरु जी ने योग अभ्यास करना सीखा। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, जिसमें ये काफी सफल भी रहे। 24 की आयु में ये मैसूर के निकट स्थित चामुंडी पहाड़ी में जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समाधि में लीन हो गए। इसके बाद उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। फिर इन्होंने समाधि लीन होने का फैसला किया और इस बार ये 13 तक इसी अवस्था में रहे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो इनके चारों ओर लोगों की भीड़ थी, तो ये बड़े आश्चर्य हो गए, क्योंकि इनके अनुसार अभी 25 मिनट का समय हुआ था, परंतु वास्तव में इन्हें 13 का समय हो चुका था। इसके बाद वे अपने व्यवसाय को छोड़ पूर्ण रूप से योग जगत में लीन हो गए। इस प्रकार उन्होंने योग साधना में महारत हासिल की और इन्हें जगदीश वासुदेव से सद्गुरु जग्गी वासुदेव पुकारा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने लोगों को योग सिखाना आरंभ किया। वर्ष 1983 में उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को योग की शिक्षा भी दी। वर्ष 1984 में इन्होंने विजय कुमारी से विवाह किया और इन्हें एक पुत्री हुई, जिन्हें सद्गुरु राधे बुलाते हैं। उनकी पत्नी विजय कुमारी एक बैंक कर्मचारी थी। इसके बाद उन्होंने अपना समय योगाभ्यास में दिया एवं वर्ष 1996 में समाधि लीन होने की स्थिति में विजय कुमारी ने अपनी देह त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की। वर्ष 1993 में सद्गुरु ने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। ईशा फाउंडेशन एक लाभ रहित मानव सेवा संस्थान है। यह मानसिक और आंतरिक कुशलता के लिए समर्पित है। यह भारत के साथ ही कई देशों में सक्रिय है। यहां लोगों को योग के द्वारा ज्ञान, कर्म, मुक्ति और शिक्षा सिखाई जाती है। यह संस्थान तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थित है। ईशा फाउंडेशन के मध्य बीचों बीच एक 13 फीट 9 इंच ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया गया है। वर्ष 2017 में सद्गुरु द्वारा 112 फुट ऊंचे आदियोगी शिव की प्रतिमा बनाई गई है, जहां उनके द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।